मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां स्वास्थ्य अधीक्षक पर लगे गंभीर आरोप, ऑडियो हो वायरल। आपको बता दें कि इन दिनों अतरौलिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चर्चा में बना हुआ है। वहीं मरीज को अधिकतर दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं। वहीं अम्बेडकर नगर जनपद के जलालपुर निवासी पीड़ित मरीज के परिजन ओम प्रकाश तिवारी ने बताया है कि मेरे द्वारा मौसेरे भाई की बहू को डिलीवरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर स्वास्थ्य अधीक्षक द्वारा कुछ दवाएं बाहर से लिखी गई और यह बताया गया कि अगर 8 घंटे से अधिक समय डिलीवरी में लगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। उसके लिए अगर आपके पास पैसा हो तो मेरे बसखारी स्थित प्राइवेट अस्पताल आना होगा या फिर आजमगढ़ महिला अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वहीं पीड़ित का आरोप यह भी है कि डॉक्टर द्वारा अस्पताल का पता पूछने पर नहीं बताया गया, बल्कि पीड़ित के मोबाइल नंबर पर लोकेशन भेज दी गई और 22,000 रुपये की डिमांड भी की गई। पीड़ित गरीबी की हालत में इतना पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है पीड़ित मरीज के परिजन ओम प्रकाश तिवारी ने, आप सुनिए। मैं आपका ओम प्रकाश त्रिपाठी, कहाँ जा रहे हैं? हमारा अंबेडकर नगर में है, जलालपुर। क्या हुआ था, क्या दिक्कत है अस्पताल से, क्या दिक्कत है बताइए। सर अतरौलिया सीएससी अतरौलिया हम गए थे, हम अपने मौसेरे भाई की बहू को लेकर के, डिलीवरी केस था ये। परसों डेट में हम लोग गए थे तो एक मैडम ने दवा लिखा जो कि बाहर से मिलती, तो अब हम गए जो मैंने एमआर के यहाँ दवा लेने, तो एमआर ने कहा कि जो है लिख दी, मैंने यहाँ अधीक्षक साहब से लिखवा लीजिए। तो अधीक्षक साहब के पास गए तो अधीक्षक साहब दवा को मैंने कुछ और बदल के लिखे, अस्पताल से ही दवा मिली, आधी दवा अस्पताल से मिली आधी बाहर से मिली। उसके बाद उन्होंने कहा 8 घंटे से ज़्यादा का डिलीवरी में लगता है टाइम, तो अब महिला अस्पताल अगर आपके पास पैसा है तो हमारे बसखारी अस्पताल में आइए, हमारा अस्पताल अच्छे से हो जाएगा इलाज, और अन्यथा आप महिला अस्पताल आजमगढ़ जाइएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो चूँकि हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो जिसकी मैंने पत्नी थी उनसे हमने इनका नंबर दिया अधीक्षक साहब का, उन्होंने बात किया, अधीक्षक साहब ने अपना लोकेशन भेजा उनके मोबाइल पे और जो है वहाँ बुलाए, हमने खर्चा पूछा, बसखारी अस्पताल उनका निजी अस्पताल शायद कोई, तो चूंकि हमारे पास पैसा नहीं था हम गए नहीं। 22,000 रुपये के आसपास बोले थे लगेगा ऑपरेशन में जी, और जबकि आज हम एडमिट करवाए हैं अतरौलिया हॉस्पिटल में और डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है, शायद शाम तक हो जाएगी 6-7 बजे तक जी। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, कितना पैसा मांग रहे थे? 22,000 रुपये सर, 22,000 के आसपास। तो अपने अस्पताल में एडमिट लेने के लिए कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? जी कह रहे, बसखारी में कह रहे थे, उनका अस्पताल है कोई निजी अस्पताल उनका है बसखारी में, वहीं बुलाए थे सर। और हमने उनसे एड्रेस पूछा तो एड्रेस नहीं बताया, उन्होंने कहा लोकेशन हम मोबाइल पे आपके भेज रहे हैं। आपके मोबाइल पे लोकेशन भेजे थे ऑपरेशन के लिए? हाँ जी, ऑपरेशन के लिए जी। मतलब कह रहे थे कि बच्चा ऑपरेशन से होगा? जी जी जी। जब आज वैसे बच्चा होने वाला, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ, आज नॉर्मल डिलीवरी होगी सर। कहाँ पे होने वाला? ये अतरौली हॉस्पिटल में ही होने वाली है सर, सरकारी हॉस्पिटल में। तो मतलब जब आप अस्पताल में गए थे तो डॉक्टर आपको अपने यहाँ नहीं एडमिट किए, कहाँ बुला रहे थे? नहीं सर, बोल रहे थे अब बसखारी बुला रहे थे सर। सरकारी अस्पताल में नहीं भर्ती किए? नहीं, भर्ती करने की बात नहीं थी, वो बोले 8 घंटे से ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो बसखारी हमारे निजी अस्पताल पे आई है जी। अपने निजी अस्पताल पर जी। कितना पैसा बताया सर? 22,000 रुपये के आसपास। तो सर हम गए नहीं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा था नहीं, हम पर परेशानी में इस टाइम, मतलब वहाँ नहीं गए? नहीं, हम अतरौलिया में ही भर्ती करवाए हैं सर आज, और आज डिलीवरी हो भी जाएगी भगवान चाहे। उसके बाद डॉक्टर आपसे मुलाकात किए जब आपने अतरौलिया में भर्ती कराया? जी नहीं, अभी नहीं मुलाकात? नहीं, अभी तक नहीं डॉक्टर।